सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्ण ठाकुर जी को। परम पूज्य आनंद कृष्ण ठाकुर जी महाराज के भजन कीर्तन कथाओं को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने की बहुत पुरानी परंपरा और विशेष महत्व है। कई भक्तों के प्रश्न आ रहे थे, इंस्टा पे भी आ रहे थे, यूट्यूब पे भी आ रहे थे, फेसबुक पे भी, कि महाराज जी तिलक लगाने के थोड़े से नियम हमें बता दें और तिलक लगाने का महत्व क्या है, यानी क्यों लगाते हैं और क्यों कहते हैं कि सबको माथे पर टीका जरूर लगाना चाहिए। तो आइए शास्त्र के अनुसार हम तिलक लगाने की विधि, नियम और तिलक लगाने के महत्व को जानेंगे। ब्राह्मण, साधु, संत और प्रवक्ता ही नहीं, कोई भी पूजा जब हम सभी के घरों में होती है तो सबसे पहले ब्राह्मण सभी देवी देवताओं के तिलक लगाते हैं और उनके तिलक लगाने के बाद पूजा में बैठे हुए सभी लोगों के माथे पर ब्राह्मण तिलक लगाते हैं। हर तरह की पूजा तिलक से ही आरंभ होती है, बिना तिलक के तो हर पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तिलक लगाने के धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरफ से लाभ बताए हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मस्तक पर तिलक लगाने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तिलक लगाने से व्यक्ति का मन और मस्तिष्क एकदम शांत रहता है, उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ कभी हावी नहीं होती जिसके तिलक लगा होता है। और ऐसा प्रमाण भी है कि रोजाना माथे पर जो तिलक लगाते हैं उनके मन को शांति मिलती है और मन शांत रहने से फालतू के चिड़चिड़ापन और गुस्से पर भी यानी उसका कोई असर नहीं होता, मन एकदम खुश रहता है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य पर फोकस रख पाता है। मान्यता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ तिलक भी यदि लगाया जाए तो कार्य सफल होने के अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि कुंडली में कोई ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों तो रोज तिलक लगाने मात्र से ही ग्रहों का प्रभाव शांत हो जाता है। तिलक लगाने से दिमाग की तंत्रिकाएं शांत रहती हैं, जिससे सिरदर्द जैसी समस्या परेशान नहीं करती। आयुर्वेद के अनुसार भी नींद न आने की समस्या या किसी को टेंशन जैसी बीमारी हो तो उसे माथे पर रोज चंदन का तिलक लगाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तिलक लगाने से शरीर के सात चक्र सक्रिय हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तिलक लगाने के नियम क्या हैं? तो देखिए, तिलक अलग अलग अवस्था में लगाया जाता है। जैसे अपने पितरों को यदि कभी तिलक लगाना हो आपको, तो तर्जनी उंगली से बताएं, तर्जनी उंगली से उन्हें तिलक लगाना चाहिए। खुद को कभी तिलक लगाना हो अपने माथे पर तो मध्यमा, जो ये उंगली होती है, इससे हमें अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद आता है देवी देवता या भगवान को हम जब तिलक लगाएं तो अनामिका यानी इस उंगली से हमें उनका तिलक करना चाहिए। ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण आपके घर आए तो किसी भी ब्राह्मण को कभी तिलक लगाना हो तो नियम है अंगूठे से उसके माथे पर तिलक लगाना चाहिए। और बहन भाई को और भाई बहन को जब भी तिलक करे यानी अपनी बहन को, तो कनिष्ठ का उंगली से तिलक करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि तिलक लगाते वक्त आपका चेहरा या तो पूर्व की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो, और तिलक लगाने वाले का हाथ यानी जो लगवाने वाला है उसका हमेशा सिर पे हाथ रखना चाहिए। ध्यान रखें, यदि किसी ने गुरु दीक्षा ले रखी हो तो उसके लिए नियम ये है कि जो गुरु ने उसको अपने शिष्य को जो तिलक दिया है आपको, तो वही तिलक हमें लगाना चाहिए जो हमारे गुरुजी लगाते हैं, जो उनकी संप्रदाय का है। तो ये सब तिलक के नियम हैं, आपको सब समझ भी आ गया होगा कि क्यों तिलक लगाते हैं, महत्व क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।